ये वही है भाई, पतले वाले है ना, ये नहीं चाहिए ना हमें, चाहिए मोटे वाले। ले भाई भाई व्हील तो एक मिला है बहुत तगड़ा। फाइनली भाई अपने यही वाले व्हील ले लिए भाई, चौड़े वाले हैं, बड़े ड्रम प्लेट वाले करेंगे ना, कब जुगाड़ है भाई। सही है ना, व्हील तो लग रहे भाई ये तगड़े, ऐसे व्हील नहीं मिलेंगे जैसे ये है ना। ये भाई बहुत ही ज्यादा चौड़ा है, ये देखियो बुलेट का सा लग रहा बिल्कुल, है ना भाई। अपने स्प्लेंडर के ना पीछे के टायर का सामान देखो कितना सारा भाई, ये सब दिखाऊंगा अपना तुम्हें घर चल गए क्या क्या हम लाए भाई, बहुत महंगे पड़ गए यार व्हील, है ना। अपना जो पीछे वाला जो टायर है भाई उसमें ज्यादा भसड़ हुई है, उसके ना हमें बहुत सारा सामान लेना पड़ा है भाई। मैं कह रहा हूँ मेरे को व्हील पता है 10,000 के पड़ गए, है ना भाई। भाई अपनी स्प्लेंडर जो वो पूरी खुल चुकी है और इसके दोनों टायर भाई हमने खोल दिए, वो रखे भाई अपना मान भाई रख रहे हैं। हाँ भाई रख दे, यहाँ सही है। ये ना हमने भाई सेल कर दिए, और जिस भाई की बाइक में डलेंगे ना वो अपना पहुंच चुका है शॉप पे। व्हील टायर अपने इसमें डल चुके हैं, और इसके जो पत्ते होते हैं ना ब्रेक रॉड उसको मोड़ रहे भाई थोड़ा सा, वो ना टच हो रही भाई टायर में। भाई लियो ट्राई, भाई अगड़े। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज अपने स्प्लेंडर है ना हम पता बहुत तगड़ी चीज चेंज कराने वाले, पता क्या इसके अलावा। अब तुम सोच रहे हो भाई अलावे व्हील क्यों चेंज कराने वाले हैं। अभी अपने संजू भाई जा रहे हैं तो इनको जान देते हैं, ये अपने मानव भाई को बुलाने गए हैं, उन्होंने ना भाई अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, फ़ोन अपना वो उठा नहीं रहे, तो उनको एक बार बुला के लाते फिर तुम्हें बताते प्रॉपर कि हम इसके व्हील क्यों चेंज करा रहे हैं ना। अल्लाह भाई आज लेके जाएंगे हम ये वाली गाड़ी, कौन सी है कमेंट करो जल्दी। ये भाई अपनी पुरानी अल्टो है ना जो पहले आया करती थी। तो भाई दाढ़ी वाड़ी बड़ी हो रही है यार, दाढ़ी भी कटवानी है ना सही में भाई, देखो गंदी लग रही है बड़ी दाढ़ी, मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और स्प्लेंडर है ना जो अपनी भाई कितनी तगड़ी लगती है भाई, ये देखना है ना सच में यार बहुत तगड़ी लगती है, नेक्स्ट लेवल अपनी ऐसी स्प्लेंडर ना सच में यार। देखो मजाक तो नहीं कर रहा ना, मैं बड़ाई मार रहा हूँ वैसे, सच में बड़ाई वैसे बड़ाई नहीं मार रहा मैं, सच में बता रहा हूँ अपनी स्प्लेंडर से नीचे लगती है मेरे को सब, जितनी ही घूम रही है ना भाई इधर उधर सारी इससे नीचे यार, इसमें सारा नेक्स्ट लेवल काम हो रखा है ना, व्हील व्हील टायर वगैरह। और हाँ भाई चलो तुम्हें बता ही देता हूँ व्हील मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ भाई, मेरा ना थोड़ा यार मन कर रहा है, मैंने कहा यार बहुत दिन से ना इस चला रहे हैं तो इनको ना थोड़ा भाई अब अलग करते, थोड़े बोर से हो गए ना, वैसे लगते तो ये व्हील कैड़े देखो, पर मैंने कहा यार अब की ना थोड़ा करते अलग चेंज करते है ना। तो आज जा रहे हैं इसके लिए अलॉय लेने, और लेके जाएंगे अपना ऑल्टो, ये वाली ओल्ड मॉडल, ये पहली वाली ऑल्टो थी जो पहले आया करती थी ना, और गाड़ी बहुत तगड़ी है भाई, बहुत छोटी सी और बहुत मस्त गाड़ी है, और पिकअप इसमें पता कितना ज़्यादा है भाई, मेरे हिसाब से इससे जितनी बड़ी गाड़ियाँ ना उनसे सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पिकअप है इस वाली मॉडल ऑल्टो में, ठीक है। अपना जिस भाई के पास है ना उसको पता भी होगी, और जिसको गाड़ियों की नॉलेज है ना उसको भी पता होगी कि इसमें कितना पिकअप है। बेचे स्प्लेंडर, हाँ भाई अपनी सर्विस भी आएगी, इसकी सर्विस भी आ रही है, सर्विस भी करवानी स्प्लेंडर की, सर्विस देखना तुम कैसे करवाऊँगा मैं, ठीक है। तुम देख भी रहे होगे दो तीन ब्लॉग में मैं बोल भी चुका हूँ कि इसकी सर्विस करवाऊँगा, पर देखना भाई कितने तगड़े तरीके से करवाऊँगा। हाँ भाई एक चीज़ और है यार, मैं ना देखो व्हील तो लेऊँगा वही एस वाले ही लेऊँगा मैं, क्योंकि और ना पैटर्न यार देखो सही नहीं लगते, और ना स्प्लेंडर में कोई और अच्छे लगते हैं, व्हील अच्छे लगते एस के ही, पर हम ना थोड़े और हैवी आ रहे हैं वो वाले मैं तुम्हें दिखाऊँगा वो लेंगे, उनमें ना पतले भी आ रहे हैं, इनसे भी पतले वाले वो बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं, वो तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे वो भाई जो चौड़े वाले जो व्हील है ना वो हम इसमें डलवाएंगे, पर वो ना बहुत ही कम मिल रहे आजकल, है ना, वो बहुत रेयर हो रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है पीछे से स्टॉक में, मतलब वो बन ही नहीं रहे है ना चौड़े वाले व्हील होते हैं वो। एक बार बाटा पे जाएंगे ना भाई, मैं एक बार तुम्हें दिखा भी दूंगा उनमें डिफरेंस, ठीक है। तो पहले हम ढूंढेंगे वही चौड़े वाले, और वो नहीं मिले ना तो फिर अपना व्हील डलवाने का ना प्लान कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि यार पतले वाले तो देखो अच्छे लगने ही नहीं है ना भाई, फिर तो देखो कुछ फ़ायदे नहीं उनसे, तो 80% अच्छे यही है अपने, है ना, फिर तो कोई फ़ायदा है ही नहीं अपना व्हील चेंज करवाने का। पर अगर हमें वो चौड़े वाले मिल गए ना जिसकी मैं सोच रहा हूँ और जिसकी यहाँ से मैं सोच के जा रहा हूँ वो मिल गए ना, मज़ा आ जाएगा फिर, तो फिर वो ले लेंगे तुरंत, ठीक है। यार अपने संजू भाई गए मानव भाई को बुलाने, मैंने कहा आ जा भाई जल्दी यार, कह रहा भाई फ़ोन नहीं मिल रहा उसका, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, मैंने कहा फ़ोन मिला, कह रहा भाई अब घर जाऊँगा, उसके घर गया वो, मैंने कहा बुला ले यार जल्दी भाई, अरे हाँ यार वॉच और ले आता हूँ, इतने ये बुला के लाएगा ना वॉच ले आता हूँ मैं, सही यार वॉच लाया भाई, ये देख रहे हो साफ सुथरी गाड़ी ऑल्टो अंकल की भाई मेरी नहीं है। तो भाई वॉच ना अपनी यहाँ पे मैंने रखी थी यार, यहाँ पे है नहीं वो भाई, वो कबीर ने मेरे हिसाब से कहीं गिर तो नहीं थी नीचे वगैरह कहीं है, चलो ढूंढ लेता हूँ एक बार, मिल जाती है ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर भी ठीक है। तो भाई वॉच तो अपने यार मिली नहीं, पता नहीं कहाँ वो कबीर ने फेंक दी कहीं पे। तो अपनी स्प्लेंडर में यार मैं देख रहा हूँ
यहाँ से जो ये रैप इसकी फट रही है ना, तो हमारे पास वो रैप है ना जो इसकी बची हुई थी भाई, जो मैंने तुम्हें दिखाई थी, तो आज ऐसा करूँगा उसमें से अपना रैप काटेंगे इतनी इतनी और यहाँ से इसको कवर कर देंगे है ना, ये फिर ऐसे दिखेगी नहीं। अब ये गंदी लग रही है भाई, है ना, देखो कितनी गंदी लग रही है, ये पता नहीं यार फूलती क्यों है ऐसे। तो भाई कोई कमेंट करके बताओ ना भाई कि इसका इलाज क्या है, जो यहाँ से फूल रही है ना ये, इसका इलाज क्या है कमेंट करके बताओ यार, है ना। मैं बहुत मतलब परेशान हूँ इस चीज़ से, मैं कितनी बार रैप करा चुका हूँ, ये यहाँ से ना ऐसे ही फटती है यार। तो कमेंट करके ना ज़रूर बताओ भाई कि इसका इलाज क्या है जो है यहाँ से फटे ना, है ना। और अपने मान भाई आ रहे, अभी कॉल किया, कह रहा भाई ये तो नहाने लगा था, मैंने कहा भाई हम भी नहीं नहाए यार भाई, हैं देखो शक्ल पे 12 बज रहे बिल्कुल, आके ही नहाएंगे जो अपनी बाइक में आज न्यू अलॉय व्हील्स डल जाएंगे भाई, कैसी लगेगी है ना। तो एक तो यार सिल्वर में भी आते हैं वो और ब्लैक कलर में भी आते हैं, तो सिल्वर में लाए जाए या ब्लैक कलर में है, तो मैं तो सोच रहा हूँ यार सिल्वर डाल के देखे अभी बार, क्योंकि ना बहुत ही कई सालों से मैं ब्लैक ही यूज़ कर रहा हूँ, तो सिल्वर थोड़े कैसे लगेंगे है ना, थोड़े इमेजिन करो, सही लगेंगे मेरे हिसाब से तो, हैं तो सिल्वर देखेंगे, सिल्वर लेके आएंगे ना, और कलर उनका पसंद ना आए ना तो बाद में चेंज करा लेंगे कलर, बढ़िया ऐसे ही कलर करा देंगे, बढ़िया जेन्युइन है ना, जैसे इस पर करा रखा है। आ रहा है भाई संजू तो आ गए, उसे छोड़ गए भाई, लीड वीड़ी कैसे टांग रखी है, आ जाए सही कह रहा भाई, इसने कल अपने फ़ोन में ऐसी मॉडिफिकेशन करवाई, इसका माइक ही ख़राब हो गया है, तभी तो कह रहा भाई मैं बोल रहा था, मैंने कहा मत करो ख़राब हो जाएगा, कह रहा नहीं भाई नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ आज व्हील डलवा दे इसमें तगड़े वाले यार, मैं कह रहा हूँ वो चौड़े एस वाला है ना, वो जो चौड़ा मोटा होता है वही तगड़ा लगता है, वो मिल गया ना तो मज़ा आ जाएगा, वो नहीं मिला ना तो कैंसिल करना पड़ेगा भाई, व्हील वाला प्रोसेस अपना है ना। हाँ वही तो, वही वाले व्हील, तो इसने रील भेज रखी मेरे पास जिन व्हीलों की मैं बात कर रहा हूँ ना उनकी, तो वो व्हील नहीं मिले ना फिर तो भाई हमें ना चेंज करना पड़ेगा, हमें फिर व्हील नहीं डलवाने अगर वो नहीं मिले तो, है देख लियो फिर, है पहले ढूंढेंगे बाटा पे ढंग से, है ना कई दुकानों पे ढूंढेंगे, वहाँ बहुत सारी दुकान है भाई, सब पे ढूंढेंगे है ना, वही तो सब पे ढूंढेंगे, जिस पर मिल जाएगा ना उठा लेंगे, और ना मिले तो भाई इतनी दुकान है ना बाटा तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है बाइक की तो सच में यार। चल पहले ना अपना बाटा पे भाई अपना ट्राई कर लेते हैं, फिर ना मिले तो फिर अपना देखेंगे करोल बाग है। चलो भाई तो अपना मान भाई, भाई बहुत लेट करवाता है बंदा माँ कसम, सच में यार मैंने कब की बोली थी भाई, हम जिम पे थे तभी बोली थी मैंने, कहा यार जल्दी से अपने घर चले जाओ भाई, एक एक बेर कोई खाना पीना जो भी सिस्टम अपना लेकर आना है वो ले आओ, फिर अपना हम जा रहे हैं आज फरीदाबाद L2 में, तो मैं आ भी नहीं रहा ढंग से भाई, देखियो सिर अड़ने वाला है, देखियो यार बहुत छोटी गाड़ी है, ऐसा लगा धरती सी में बैठ गया है यार, पर बढ़िया गाड़ी है ये सच में भाई। ओ भाई आलियल है भाई, क्या सोच रहा है अपने आप को देखिए, पीली टी शर्ट पहन गया है, ये मम्मी कह रही है हेलमेट किस धर रहा होते भाई, क्या आएगा इसको भाई, इसका पता नहीं यार मेरे को, तो भाई ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं पर नाम नहीं पता इसका। आ जाओ भाई आ जाओ, आपका छोटी गाड़ी में स्वागत है भाई आज, ये आ रहा है देखना क्या भाई, करियो करियो दबा दे आप ही दबा, हाँ हाँ हो तो गया। चलो भाई तो जल्दी से निकलते भाई, अब निकलते क्या, निकल चुके हैं अपनी दादी, दादी राम राम, कहीं भी मिल जाए तो राम राम कर लेना, वैसे थोड़ा सुनता कम है इनको, थोड़ा तेज बोलना तेज, कनेक्ट नहीं हो, नहीं वो तो भाई जल्दी से अब पहुंचते सीधा बाटा, रुक 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 बाटा पे पहुंच के क्या हुआ भाई, भाई इसको कनेक्ट कर, अरे यार तुम तो यार ये तो पहुंचनी न दे बाटा भाई, नीचे क्या हो गया, अरे यार भाई मेरे को पता नहीं है, सही कह रहा है, इसमें ऑप्शन भी तो पता नहीं कैसे कैसे सिस्टम है इसका, ऑक्स ब्यूटी ये रहा ना, अब आएगा भाई, नहीं नहीं इसका, अरे हो जा एसी पेसी कुछ तो चलाओ, गर्मी लग रही है भाई, और ना मिले ना तो जाएंगे अपने फिर करोल बाग भाई, वो ही एक ऑप्शन है, और वहां भी नहीं मिले तो
करोल बाग मिल जाएंगे वो कह रहा भाई। भाई सुन करोल बाग भी ना अपना बाटा से ही जाता है ज्यादातर सामान, पता तेरे को भाई कनेक्ट बस मंदी गल है अभी सारा कॉपीराइट आ जाएगा मंदी गल। भाई अपनी फरीदाबाद में एंट्री हो चुकी है भाई, मैं कह रहा हूँ गाने वाने किस बंद कर दिए यार, इसका जो ब्लूटूथ है ना मुझे लग रहा भाई दारू वारू पी के सेट है वो कभी तो गाने यार सुना रहा भाई कभी नहीं सुना रहा है, ऐसा मत करा यार भाई अपने गाने वाने कंटिन्यू रहना था, मजा आता रहता भाई गाने सुनने का। भाई भाई अल्टो में मजा आ रहा भाई चलाने में, बस थोड़ी सी ना साउंड आ रही है अंदर, ये तो भाई देखो आती है यार तुम्हें खूब पता भाई उस टाइम के हिसाब से गाड़ी यार बेस्ट है। बत्ती चल रही है क्या? अल्लाह भाई बत्ती चल रही है। अपने टाइम की चिंगी हो। एस्प्रेसो ठोक दूं क्या इसमें भाई? दबा दूंगा ये मार दूंगी ये भाई इन तो बहुत तगड़ी है भाई। देख मारुति ना इस टाइम पे जिस टाइम की गाड़ी है ना इस टाइम पे भाई बहुत तगड़ी मतलब गाड़ी बनाया करती थी सही में, बहुत इनकी ना जो बॉडी बहुत हैवी है इनसे बहुत हैवी है। अब जो आ रही है ना अब तो इसमें एकदम बढ़ा दी ना इसके बोनट हल्का से चटकेगा और ये सारी खत्म हो जाएगी पीछे जाना ओ यहीं पे ही है भाई ओ ये कोने पे यहीं पे चल के मारुति की एजेंसी कहीं सही करा लेंगे यहीं पे। अरे बत्ती कब से चलने लगी? आज ही चल रही है। अपने भाई सीट बेल्ट लगा के बाल कैसे हो रहे? सीट बेल्ट वगैरह लगा के भाई सेट है संजू भाई पहले लगाता अपने चेकिंग चल रही है तगड़ी चल गई भाई चल गई बत्ती आ रहा है चल अपने। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ भाई तब से हम घर आ रहे भाई ये एल्टो है ना इसको कोई गाड़ी समझ नहीं रहा भाई सच में कोई गाड़ी वाड़ी रोक ही नहीं रहा भाई है यार क्या सिस्टम है भाई हमेशा देख ला भाई अपने छोटी गाड़ी छोटे लोग दबाए जाते हैं सही में भाई ला भाई। तो भाई जल्दी से अपने बस दो ही मिनट में हम बाटा पे पहुंचने वाले हैं, पहुंचते ही अपने ढूंढते हैं अलॉय व्हील। भाई यार मेरे को ना थोड़ा सा डर सा लग रहा, मैंने कहा यार व्हील ऐसा ना हो भाई हमें मिले ना आज क्योंकि यार दिक्कत हो जाएगी फिर है ना, फिर अपने करोल बाग भाई कौन भागेगा बस सिर्फ व्हील के लिए है, तो भगवान करे यार मिल जाए भाई है। तो देखते यार पहुंचते जल्दी से मिलते हैं या नहीं वो सब पता चलेगा भाई वहीं पे है। भाई पहुंच गए अपने बाटा पे, भाई मैं कह रहा हूँ गाड़ी को यहीं खड़ी कर दे है? यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे पूछने सही कह रहा भाई छोटी गाड़ी के ये तो फायदा कहीं भी एकदम सेट कर दो भाई भीड़ कम आज है ना आज वो है भाई ईद सच में यार दुकान तो बंद नहीं है चल दुकान तो खुल रही है। तो जल्दी से भाई अपना ट्राई करते हैं कौन सी शॉप पे हमें अपने वाले व्हील मिलते हैं जो हम ढूंढने वाले हैं। भाई बाटा ही बाटा डेली बाटा पर है हम तो हमें यही ले घर ले लेना पड़ेगा सही कह रहा भाई फिर ज्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा सही कह रहा छोटी भाई गरीब हो गए हम जब से हम यूट्यूब पे करे ये वही है भाई पतले वाले है ना ये नहीं चाहिए ना हमें चाहिए मोटे वाले। ले भाई भाई व्हील तो एक मिला है बहुत तगड़ा पर यार ये मेरी स्प्लेंडर का नहीं है ये तेरी स्प्लेंडर का भाई है ना ये भाई बड़े ड्रम का है पर व्हील बहुत तगड़ा लग रहा है ना देखो कितना चौड़ा है इतना चौड़ा तो आता भी नहीं है बहुत ज़्यादा चौड़ा है ना बढ़िया भी लग रहा है अच्छा भी लग रहा है ना व्हील तो तगड़ा भाई। अपना जो व्हील है ना अभी देखा है वो अभी देखेंगे बाद में पहले ना उसकी ट्राई कर लेते हैं जो हम ढूंढ रहे हैं अगर वो नहीं मिलेगा ना फिर उसका जुगाड़ करेंगे कुछ वो बड़े ड्रम का भाई। भाई जो व्हील हम ढूंढ रहे थे ना स्प्लेंडर का भाई वो तो मिला नहीं मिल तो रहे भाई थोड़े पतले उसके मिल रहे जो बुरे लगते तो मैं बता तो उन्हें देख भी रखे होंगे ठीक है। और जो हम ढूंढ रहे थे ना वो चौड़े वाले वो भाई उनसे भी तगड़े व्हील मिल रहे पर बड़े ड्रम के मिल रहे हैं ना अपने स्प्लेंडर में डलता भाई छोटा ड्रम। तो अब पता है दिमाग क्या ख़राब हो रहा है मिस्त्री कह रहा कि भाई इसमें ना ऐसा करा लो आप अपने जो स्प्लेंडर है ना उसमें जो छोटे ड्रम डल रहे उनके ड्रम चेंज करा लो बड़े ड्रम डलवा लो जो अपने स्प्लेंडर में अब आ रहे हैं ना जितने भी स्प्लेंडर आ रही है ना उनमें बड़े ड्रम आ रहे हैं वो कह रहे भाई उनको ही अपना चेंज करा लो। वो कह रहा भाई ब्रेक वगैरह भी अच्छे हो जाएंगे और अपना व्हील भी आपका डल जाएगा। तो अभी ना व्हील तो हमें मिल रहे हैं ठीक है व्हील तो मैं ले लूँगा कोई दिक्कत नहीं पर वो जो ड्रम प्लेट है ना वो नहीं मिल रही भाई यहाँ पर हमें अब क्या करें फिलहाल तो गाड़ी में बैठे थोड़ा सोच रहे हैं थोड़ा डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और दूसरा भाई मैं सोच रहा हूँ अगर वो हमें यहाँ पे भी नहीं मिले तो करोल बाग भी नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ का यहाँ पे सामान अपना करोल बाग से आता है सारा। तो मेरा तो मन व्हील तो मेरे को वही तगड़े लग रहे हैं जो भी दिखाए थे ना चौड़े वाले सिल्वर कलर के व्हील तो वही तगड़े लग रहे हैं पर ना यार उनका जुगाड़ बन जाए ना मेरे को ड्रम प्लेट और मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा फिर कैसे करें भाई फिर ऐसा या ऐसा कर ले व्हील अभी ले ले ड्रम प्लेट वगैरह का कल जुगाड़ कर लेंगे कल जुगाड़ कर लेंगे उनके कर भाई यही वाले व्हील है बड़े ड्रम प्लेट वाले करेंगे कब जुगाड़ है भाई
सही है ना, व्हील तो लग रहे भाई ये तगड़े, ऐसे व्हील नहीं मिलेंगे जैसे ये है ना। ये भाई बहुत ही ज्यादा चौड़ा है, ये देखियो बुलेट का सा लग रहा बिल्कुल, है ना। गिरने के बाद तो तगड़े हो गए, अब नहीं फ्रंट वाला तो लग जाएगा, मिस्त्री कह रहा भाई फ्रंट वाला लग जाएगा, पर पीछे वाले को जुगाड़ तो हमें करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई करेंगे चलो, तो ये वाला तो इनका पीछे हम नया निकलवा रहे भाई, डिब्बा पैक अपना अभी आएगा। ले भाई अपने व्हील आके, भाई व्हील आ चुके भाई अपने पजेरो कंपनी, इससे काट ले चाबी से, ले काट ले। थोड़ा भाई अपना कंफर्म कर रहे व्हील कोई डैमेज तो नहीं है ना, ऐसे तो डिब्बा पैक है। ऐसे मार देना चाबी, हाँ ऐसे भाई व्हील अपने आ गए। संजू भाई यहाँ रख दो इनको, पजारो कंपनी के भाई, और देखते हैं अपनी जो स्टैंडर्ड है ना BS6 उसमें पजारो कंपनी की है, और अपनी जो ड्रम प्लेट है ना वो लॉक ला दियो। अरे ये तो आ गया, ड्रम प्लेट मिलेगी भाई मानो भाई को, कहाँ पे मिली सबसे लास्ट जिससे RX100 का सिलेंसर, अच्छा जिससे सिलेंसर लिया था। तो भाई ड्रम प्लेट अपनी मिल गई है, देखते हैं भाई कैसी है अपने, क्या रेट की है वो भी लेते हैं, फिर अपने सही है जुगाड़ हो जाएगा। भाई भाई अपने स्प्लेंडर के ना पीछे के टायर का सामान देखो कितना सारा भाई, ये सब दिखाऊंगा अपना तुम्हें घर चल के क्या क्या हम लाए भाई, बहुत महंगे पड़ गए यार व्हील है ना, ज़्यादा ही सामान लग गया इसमें तो। तो भाई अपनी स्प्लेंडर का सामान भाई हमने ले लिया है, ठीक है। अपना जो फ्रंट वाला व्हील है ना वो तो भाई उसमें तो देखो कुछ हो ही नहीं मॉडिफिकेशन, उस वो तो लग जाएगा डायरेक्ट फिट, जैसे अपना नॉर्मल वही ड्रम प्लेट थी ना उसमें ही लग जाएगा, ताकि हम उसमें कुछ नहीं करना। अपना जो पीछे वाला जो टायर है ना भाई उसमें ज़्यादा भसड़ हुई है, उसके ना हमें बहुत सारा सामान लेना पड़ा है, क्या क्या लिया है भाई वो सब दिखाएंगे तुम्हें घर पहुंच। भाई तो भाई जल्दी से पहुंचते अब घर, घर जाके भाई अपने टायर फिट भी होना। भाई क्या टाइम हो रहा दिखी ओ भाई 1:00 अरे 14 बज रहे हैं, हमें तो मैं सोच रहा 1:00 14 बज रहे भाई। अरे भाई टाइम वेम सही कर लो, थारा टाइम का सही चला, जब टाइम सही ना रहे होते सही है। अब तो एक गाने चला दे भाई, बदमाशी वाले दिमाग खराब है भाई। मैं कह रहा हूँ मेरे को व्हील पता है 10,000 के पड़ गए है ना भाई, बहुत महंगा सामान आया भाई, बहुत महंगा सच में यार, इतना पता होता ना तो मैं व्हील ही नहीं चेंज करता भाई। हट जा भाई कुत्ता, हट जा सामने से, कुत्ता भी आ रहा कह रहा मार दो मेरे को। चलो भाई तो जल्दी से पहुंचते हैं घर। ले भाई घर पहुंच चुके हैं भाई, सामान कहाँ अपना, ओ ये पड़े भाई व्हील अपने, ओ भाई क्या कर रहा तू, अरे यार यार ये लुटा दिया यार ऊपर। अरे भाई खोल दे भाई, गेट खोलने के लिए ले जाए, जेब कतरा ओए भाई, ब्लेड मारा देख देख दिखा देता हूँ क्या क्या सामान लेके आए। कहाँ वो कहाँ अपना वैसे सामान है जो डिग्गी में, डिग्गी में रखे है, अरे डिग्गी में क्यों रख दिए वो भाई। भाई व्हील तो ले चल रहे एक बार हम वहाँ है ना दुकान पे जहाँ पे टायर चढ़वाए थे, क्योंकि मैंने अब टायर चढ़वाने अपने, और वैसा जो सामान है ना, हाँ भाई वहीं पे वो लिकाड़ियो, वो वैसे जो बाकी का सामान था अपना ये इसी में रहना है भाई, ये तो यही इसी में रहना है, ये वहीं ले चलेंगे ना, वहीं उतार लेंगे अभी तो, हाँ गाड़ी को ले चलेंगे अभी तो। स्प्लेंडर के व्हील टायर भी खोल लें भाई, एक बार दिखा दूँ क्या क्या सामान हम लाए भाई, ये सामान हमें भाई महंगा पड़ गया भाई। एक बार तुम्हें तू भी देख ले, तूने देखा नहीं होगा ये भाई अपना जिसमें वो लगती है ना कपलिंग रबड़, ये पूरा जो हब होता है ये वो है, ये भी नया आया है ठीक है, और ये अपनी ड्रम प्लेट दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार। ला भाई और ये जैन वन है भाई, अरे खुल जा। ला भाई ये ड्रम प्लेट लगेगी, अब इसमें लग रही है भाई ये वाली ड्रम प्लेट छोटी, ये देखो और ये देखो कैसी है ना डिफरेंस है ना दोनों में, ये लगेगी और नया चैन सेट है भाई, ये लो ये नया चैन सेट लगेगा, क्योंकि उसका चैन सेट अलग है और इसका अलग है ना, क्योंकि ये अलग है ना, ये अलग डल रही है ना, ये वही डलती ना सेम, तो फिर वही चैन सेट फिट हो जाता। इसमें अपनी कपलिंग रबड़ है और भाई ये रहे अपने ब्रेक शू, ब्रेक शू भी भाई अपने नए डलेंगे ठीक है,
और अगले ड्रम में ना वही फिट हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें वही सी, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ये भाई अपना डायरेक्ट फिट हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। चेंज होएंगे सिर्फ अपने पीछे वाले, ये ताम झाम सारा गार्ड, ये अपना ड्रम प्लेट वगैरह ये सेम लग जाएगा ये भी। तो अभी अभी चलते भाई जल्दी से अपना वही शॉप पे जहाँ पे हमने टायर डाले थे, टायर डलाए थे तो वहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल गए जल्दी से अपना न्यू इन में अलॉय डलवाते हैं टायरों में है भाई। और ये वाले जो व्हील है ना भाई, ये हमने कर दिया सेल है भाई। एक भाई का भी कॉल आ गया कि भाई ऐसा ऐसा व्हील ला रहे को, मैंने कहा हाँ भाई, कह रहे भाई उनको हमें दे दो, मैंने कहा ले ले भाई। तो ये वाले व्हील हमने सेल कर दिया ना, मैं तुमसे बोल रहा था कि मैंने कहा अगर हमें एस वाले व्हील मिल जाते है तो हम इनको सेल कर देंगे, और नहीं मिले तो भाई नहीं करेंगे, है ना। तो व्हील हमको भाई मिल गया, जो भाई जल्दी से ना अपने व्हील टायरों को खोलते हैं, इनको खोल के रखते हैं भाई गाड़ी में, और अपने जो नए अलॉय व्हील ना, नए अलॉय व्हील है ना, उनको डलवाते हैं ना, फिर आके फिर इनको फिट करेंगे। अभी पहले मैं सोच रहा था इसको ही ले जाए भाई, जाना पड़ेगा यार फंस फंस के कहीं ना कहीं तो है। पहले इनको खुलवाते भाई, इनको खुलवाओ यार पहले, मैं इनके लिए आता हूँ भाई अपने चाबी पाने, नहीं यहीं पर खोलेंगे। तो भाई अपनी स्प्लेंडर जो वो पूरी खुल चुकी है, और इसके दोनों टायर भाई हमने खोल दिए है, वो रखे भाई अपना मान भाई रख रहे हैं, हाँ भाई रख दे यहाँ सही है। ये ना हमने भाई सेल कर दिए, और जिस भाई की बाइक में डलेंगे ना वो अपना पहुँच चुका उस शॉप पे जिस पे हमने डलवाए थे। ला भाई आगे दोनों आगे उसी साइड, बहुत बढ़िया भाई, ला भाई चलो भाई। तो जल्दी से पहुँचते हैं शॉप पे, इनको भाई डलवाते हैं उन भाइयों की उसमें है, और टायर टायर हम अपने ले लेंगे, और अपने जो वो वाले टायर थे ना जो पहले डल रहे थे वो, और ये वाले व्हील मैंने उनको ही दे दिया है ना भाई, मैंने कहा भाई तू ही ले ले यार, तूने टायर भी ले लिए। तो पहुँचते जल्दी से, अब कराते हैं इनका काम, और जो अपने नए वाले व्हील है ना उनको डला लेंगे अपने नए वाले टायरों में भाई। एक सैनिटाइजर, अरे भाई वो मेरी इसमें लगवा दी भाई, थोड़ी उंगली कट गई मेरी, देखो सैनिटाइजर लग जाता है और अच्छी रुमनाट लग रही है इसमें, तो कीटाणु मर जाएंगे भाई, कुछ और हो जाए। तो पहुँचते भाई जल्दी से, मिलते अब तुम्हें सीधा शॉप पे, ठीक है। तो भाई फिर से अपने जो ये वाले टायर थे ना भाई जेके के, ये डल चुके हैं भाई अपने इन्हीं वाले अलॉय व्हील में, ये डलेंगे भाई इस वाली बाइक में, ये खड़ी है ना जो इसमें डलेंगे। तो इनको डलने देते हैं, अपना मान भाई कुछ लिया है खाने के लिए, भाई क्या लिया यार, मेरा भाई फिकर है यार इनको, तो बस भाई खाएगा छोटे भाई। तो भाई ये जो व्हील थे ना अपने पुराने, उन पर पुराने टायर चढ़ चुके हैं, अब भाई हमारे नए वालों पे चढ़ा दे इनको, लिखाड़ी भाई इन व्हीलों को लिखाड़, ला भाई हैं ओ, इन पे टायर चढ़ा दे, ओ लगी यार टैट फोड़ दी भाई, टैट टैट फोड़ दी, ओ ये वाले टायर चढ़ा दे मेरे वाले मोटे वाले इनमें, ला भाई व्हील लग रहे क्या रे भाई, व्हील भाई व्हील टायर अपने इसमें डल चुके हैं, और इसके जो पत्ती होते हैं ना ब्रेक रॉड उसको मोड़ रहे भाई, थोड़ा सा वो ना टच हो रही भाई टायर में, अभी तो मैं दिखाता हूँ वही है अभी, कहाँ हुई होगी कुछ और मत तोड़ दी भाई, ले भाई डल के हो चुकी भाई रेडी है वाली बाइक भाई, लियो ट्राई कैसी लग रही है यार, ले भाई कैडी लग रही टायर अपने, तगड़े लग जाते भाई वैसे है ना वो सेल्फ में, ये तो अरे कैसा है भाई टायर किस। तो भाई अब बारी है अपने वाले व्हील के जिनको हम लेके आए थे, इनमें चढ़ने हैं अब अपने टायर ये वाले भाई, और अभी तो भाई घर जाके भी इनमें बसड़ है बहुत सारी, वो भी करनी है, और टाइम पता नहीं यार 5 के समथिंग हो गया भाई, 5 तो बज गए होंगे। चलो भाई इनको चढ़ाते हैं, इनको चढ़वाते हैं फिर निकलते भाई सीधा घर, घर जाके अपना करते टायर फिट, एक व्हील वो रखा पड़ा। तो भाई अपने टायर हो गए कंप्लीट, ले भाई चलते अब जल्दी से घर भाई, इनको और बढ़ा दो इनमें से यार, ये उनके भाई वो साथ ही ले जाते हैं, चल कोई नहीं हम दे देंगे, लगा भाई भाई गाड़ी साफ करनी पड़ेगी, गंदी कर दी है भाई। मैं ही करूँगा भाई और क्या, वो अंदर बड़ा ले भाई। तो भाई घर पहुँच चुके ये अपने व्हील्स, अपना जल्दी से भाई इनको फिट करते हैं, और अपना अगले वाला तो भाई हो जाएगा फिट, पीछे वाला जो व्हील है ना ये भाई बाहर ही बचाएगा। तो पहले जा रहा हूँ अंदर, कुछ खाऊंगा पीऊंगा भाई, बिल्कुल ना भूख लग रही है तगड़ी, खा पी के कुछ फिर अपने इनको फिट करेंगे, एनर्जी आ जाएगी। और स्प्लेंडर देखो कैसी लग रही है।